सीखने के उद्देश्य। इस यूनिट में यूजर्स रिग्रेशन के इन सब पहलुओं के बारे में जानेंगे। रिग्रेशन का परिचय। लीस्ट स्क्वायर्स रिग्रेशन कर्व, स्क्वायर ऑफ मीन प्रेडिक्शन एरर, लीस्ट स्क्वायर्स कर्व फिटिंग, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल नाप जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे वाई से दर्शाया जाता है और एक अन्य चेंजिंग या बदलते हुए वेरिएबल जिसे एक्स से दर्शाया जाता है और जिसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं की सीरीज के आपस के रिश्ते की स्ट्रेंथ को निर्धारित करता है। लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन दो बेसिक प्रकार के रिग्रेशन होते हैं। लीनियर रिग्रेशन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रयोग कर वाई का परिणाम निकालते हैं, जबकि मल्टीपल रिग्रेशन में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के प्रयोग से परिणाम निकालते हैं। हर प्रकार के रिग्रेशन का सामान्य फॉर्म इस प्रकार है। लीनियर रिग्रेशन, y का मूल्य a जमा बी एक्स जमा यू के समान है। मल्टीपल रिग्रेशन, y का मूल्य a जमा बी एक एक्स एक जमा बी दो एक्स दो जमा बी तीन एक्स तीन जमा और इसी तरह बी टी एक्स टी जमा यू के समान है, जहां y वह वेरिएबल है जिसका मूल्य हम पता करना चाहते हैं, x वह वेरिएबल है जिसका प्रयोग हम y का पता लगाने में कर रहे हैं, a इंटरसेप्ट है, b ढलान या स्लोप, u रिग्रेशन रेजिडुअल। मल्टीपल रिग्रेशन में विभिन्न वेरिएबल्स को सबस्क्रिप्ट अंकों का प्रयोग करके अलग किया जाता है। रिग्रेशन में यह मानते हुए कि y का मूल्य पता कर रहे हैं, रैंडम वेरिएबल्स के एक ग्रुप को लेकर उनका आपस में गणितीय संबंध निकालते हैं। यह संबंध एक सीधी रेखा या लीनियर रिग्रेशन के रूप में होता है, जो अलग अलग डाटा पॉइंट्स का करीबी पॉइंट होता है। रिग्रेशन का उपयोग अक्सर यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कुछ विशिष्ट कारक जैसे कि वस्तुएं या कमोडिटी की कीमतें, ब्याज दर, कोई विशिष्ट उद्योग या क्षेत्र किसी एसेट की कीमतों को कैसे प्रभावित करते हैं। सिंपल लाइन रिग्रेशन का उपयोग एक डिपेंडेंट वेरिएबल y और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के आपसी रिश्ते की जांच करने में करते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता हो, तब विश्लेषण करने के बाद रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग कर डिपेंडेंट वेरिएबल y का पता लगा सकते हैं। प्रेडिक्शन क्षमताओं को मिलाकर रिग्रेशन कोरिलेशन की तुलना में अधिक उपयोगी साबित होता है। लोग रिग्रेशन का उपयोग दैनिक जीवन में सहज बोध या इंट्यूशन के लिए करते हैं। व्यापार जगत में अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप वाले आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम माना जाता है। एक माँ जानती है कि बच्चे के खाने में अधिक चीनी उसमें ताकत या एनर्जी की मात्रा को बढ़ाती है। सुबह उठने की चाहत अधिकतर इस बात पर निर्भर करती है कि आप पिछली रात को कितनी देर से सोए थे। क्वांटिटेटिव रिग्रेशन में एक गणितीय फॉर्मूले को विकसित कर सुनिश्चितता या प्रिसिजन लाई जाती है, जिसका प्रयोग भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सा अनुसंधानकर्ता शारीरिक वजन, जो कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, का उपयोग कर किसी नई दवा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल की सही मात्रा को निश्चित कर सकता है। रिग्रेशन को उपयोग करने का उद्देश्य एक ऐसा फॉर्मूला बनाना होता है जो दो वेरिएबल्स के आपस के संबंध में सही बैठे। आप उस फॉर्मूले का प्रयोग करके डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का पता लगा सकते हैं, जब केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू का पता हो। यही कारण है कि एक चिकित्सक शरीर के वजन के हिसाब से दवाई की सही मात्रा लिख सकता है। रिग्रेशन लाइन, जिसे लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की अपेक्षित वैल्यू का अंकन होता है। तकनीकी रूप से यह वह लाइन है जो वर्गित या स्क्वायर किए गए रेजिडुअल्स को कम से कम करती है। रिग्रेशन लाइन वह है जो डाटा को स्कैटर प्लॉट पर अच्छी तरह फिट करती है। रिग्रेशन इक्वेशन का प्रयोग कर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिपेंडेंट वेरिएबल का अनुमान लगाया जा सकता है। रिग्रेशन लाइन बी की स्लोप को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर परिवर्तन के अनुपात से परिभाषित किया गया है। y इंटरसेप्ट a, y अक्ष रेखा या एक्सिस पर एक बिंदु है जहां y अक्ष रेखा या एक्सिस पर रिग्रेशन लाइन काटेगी या इंटरसेप्ट करेगी। स्लोप और y इंटरसेप्ट रिग्रेशन की इक्वेशन में शामिल होते हैं।
इंटरसेप्ट को ज्यादातर कांस्टेंट कहा जाता है और स्लोप को कोएफिशिएंट कहा जाता है। क्योंकि रिग्रेशन मॉडल आमतौर पर एकदम सही प्रेडिक्ट नहीं करते, इसलिए इक्वेशन या समीकरण में भी गलती आ जाती है। रिग्रेशन इक्वेशन में y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहां तीन समतुल्य तरीके हैं जिनसे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल का वर्णन कर सकते हैं। y बराबर है इंटरसेप्ट जमा स्लोप गुणा x जमा एरर के। y बराबर है इंटरसेप्ट जमा कोएफिशिएंट गुना x जमा एरर के। y बराबर है a जमा b गुना x जमा एरर e के। रिग्रेशन लाइन के स्लोप का महत्व t स्टैटिस्टिक से निर्धारित किया जाता है। यह संभावना है कि ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट संयोगवश ही हुए हों अगर ट्रू कोरिलेशन शून्य है। कई अनुसंधानकर्ता t स्टैटिस्टिक के बजाय f रेशियो या अनुपात रिपोर्ट करने में इच्छा रखते हैं। f रेशियो या अनुपात स्क्वायर्ड t स्टैटिस्टिक के बराबर होता है। स्लोप के महत्व के लिए t स्टैटिस्टिक यह निर्धारित करने की परीक्षा है कि रिग्रेशन मॉडल की इक्वेशन उपयोग के लायक है कि नहीं। यदि स्लोप शून्य से काफी अलग है तब हम रिग्रेशन मॉडल का प्रयोग कर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ एक उदाहरण लें जिसमें स्लोप की वैल्यू शून्य है। उसकी कोई प्रेडिक्शन क्षमता नहीं होती क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू समान होगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता होने से हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पता करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर स्लोप की वैल्यू शून्य से बहुत अधिक अलग नहीं है तो इस मॉडल का उपयोग प्रेडिक्शंस करने के लिए न करें। डिटर्मिनेशन का कोएफिशिएंट या आर स्क्वायर्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट के वर्ग के बराबर होता है। इसकी वैल्यू शून्य से एक के बीच बदलती है। इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट की तुलना में लाभ यह है कि इसको सीधे डिपेंडेंट वेरिएबल के वेरिएंस के अनुपात में व्याख्यित किया जा सकता है जिसका हिसाब रिग्रेशन इक्वेशन से हो सकता है। उदाहरण के लिए इसमें 0.49 के आर स्क्वायर्ड के समान की वैल्यू का मतलब है डिपेंडेंट वेरिएबल में 49% का वेरिएंस रिग्रेशन इक्वेशन से समझाया जा सकता है, बाकी का 51% समझाया नहीं जा सकता। रिग्रेशन के आंकलन का स्टैंडर्ड एरर रिग्रेशन लाइन के आसपास वेरिएबिलिटी की मात्रा को नापता है। यह रिग्रेशन लाइन के चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा पॉइंट्स का मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन है। आंकलन के स्टैंडर्ड एरर का प्रयोग प्रेडिक्शन के चारों तरफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स विकसित करने के लिए किया जा सकता है। निष्कर्ष। इस यूनिट में यूजर्स ने रिग्रेशन के इन सब पहलुओं को सीखा। परिचय: लीस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेशन कर्व, स्क्वायर ऑफ मीन प्रेडिक्शन एरर, लीस्ट स्क्वेयर्स कर्व फिटिंग, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन।